नमस्कार, मैं प्रिया। आज 24 जुलाई, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 31,691 पर। बिहार में कोविड 19 के बेकाबू हो रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रखी है। हर 24 घंटे के साथ मरीजों के मिलने की तादाद बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 1625 मरीज संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद राज्य में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या बढ़कर 31,691 हो गई है। वहीं राजधानी पटना में आंकड़ों ने परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा प्रभावितों की संख्या राजधानी पटना में ही मिली है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 20,959 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड 19 की वजह से अब तक 212 लोगों की जान जा चुकी है। एनएमसीएच पीएमसीएच के हर कोविड 19 डॉक्टर की डेडिकेटेड टीम की गई नियुक्त। एनएमसीएच और पीएमसीएच के हर कोविड वार्ड में चिकित्सकों के डेडिकेटेड टीम को अब तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे टीम को वार्ड में तैनाती रहेगी। एक टीम 4 से 6 घंटे तक काम करेगी ताकि टीम को और अच्छे से काम करने में आसानी हो। दोनों संस्थानों में बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं ताकि मरीजों के इलाज में किसी तरह की अनदेखी ना की जा सके। पीएमसीएच और एनएमसीएच के तर्ज पर ही राज्य के अन्य अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। बीपीएससी ने सहायक प्राध्यापकों के पद पर निकाली रिक्तियां। बीपीएससी ने सहायक प्राध्यापकों के पद पर आवेदन की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी इंजीनियर कॉलेज में बिहार सहायक प्राध्यापक भर्ती 2020 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 287 पदों पर जारी किए गए इस विज्ञापन के लिए इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर 30 जुलाई तक आवेदन भर सकते हैं। बिहार के संविदा कर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के संविदा कर्मी और नियमित कार्यरत कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इन कर्मियों को बंद के दौरान वेतन देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है, जिसकी घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 31 जुलाई तक लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मार्च से लेकर मई तक जारी लॉकडाउन की तरह ही अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी और संविदा कर्मियों का पूरा वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी कि काम पर नहीं आने वाले के पैसे में कोई कटौती नहीं होगी। बिहार में सड़कों पर उतरे पीडीएस दुकानदार। कोविड 19 के इस माहौल में पूर्ण लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद पीडीएस दुकानदार सड़कों पर उतर आए हैं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दयानंद प्रसाद की माने तो जिस तरह से कोविड 19 का संक्रमण बढ़ रहा है, इससे कई पीडीएस दुकानदार संक्रमित हो चुके हैं और कई दुकानदारों की जान भी जा चुकी है। हम लोग पहले ही सरकार से यह मांग कर रहे थे कि ई पॉश मशीन से राशन का वितरण नहीं करेंगे, लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है और बार बार इसी मशीन के राशन के वितरण करने को कह रही है। इससे ज्यादातर डीलर कोविड 19 संक्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग आज से अनिश्चितकालीन समय के लिए अपनी मांग पर बैठने वाले हैं। पटना एम्स द्वारा जारी किए गए 3 नंबर पर परिजन कॉल करके ले सकेंगे पेशेंट की जानकारी। कोविड 19 संक्रमितों से मिलने की अनुमति परिजनों को भी नहीं होती है। वहीं परिजन अपने पेशेंट का हालचाल भी जानने में विफल होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना एम्स ने अब 3 नंबर को जारी कर दिया है, जिस पर कॉल करके आसानी से सभी परिजन अपने पेशेंट की जानकारी ले सकते हैं, जिसके तहत अब कोई भी 9470702184 या 9470702235 या 0612245107 पर कॉल करके परिजन मरीज की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। यह नंबर रोज दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगा। एनएमसीएच पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जाना संक्रमितों का हाल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को एनएमसीएच पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया है। मंगल पांडे ने पीपीई किट पहनकर एनएमसीएच के कोविड वार्ड में सभी मरीजों से मुलाकात की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घूम घूम कर स्थिति का जायजा लिया है और वहां मरीज अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली है। इतना ही नहीं, वो भर्ती मरीजों के इलाज में हो रही परेशानियों के बारे में भी उन्होंने जाना है। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मंगल पांडे ने कहा कि अस्पताल के सभी 11 वार्डो में प्रभारी इलाज की जिम्मेदारी दे दी गई है। एनएमसीएच में 3 दिनों में हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दे दिया गया है। कला संस्कृति विभाग ने घर बैठे म्यूजियम की विस्तृत जानकारी देने का जारी किया आदेश। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बंद के दौरान विभाग ने अपनी वेबसाइट पर 19 म्यूजियम के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड की है, जिसे लोग घर बैठे म्यूजियम का अवलोकन कर सकते हैं, साथ ही उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद अब कला संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर बिहार के 19 म्यूजियम की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बस सभी लोग विभाग के आधिकारिक वेबसाइट bisc.bih.nic.in पर जाकर आसानी से जानकारी ले सकते हैं।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। देश के जाने माने सिंगर दलेर मेहंदी का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था और वो यहाँ की गलियों में ही खेलते कूदते हुए संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब हुए थे। उनके गाए हुए पंजाबी और हिंदी पंजाबी मिक्स गाने शादी विवाह और पार्टियों की जान होते हैं। दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त 1967 को पटना सिटी में हुआ था। उन्हें भारतीय संगीत जगत में किंग ऑफ भंगड़ा और इंडियन किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी बताते हैं कि उनका नामकरण उनके पिता अजमेर सिंह चंदन और माता बलबीर कौर ने एक फिल्म देखते हुए रखा था, दलेर सिंह के नाम पर रख दिया था। उनके परिवार में शुरू से संगीत का माहौल रहा है। दलेर मेहंदी का सबसे पहले एल्बम 1995 में बोलो तारा तारा सामने आया था, जो कि बेहद ही सुपरहिट साबित हुआ था। अब 8 शहरों के लिए 29 जोड़ी विमान भरेंगे पटना से उड़ान। COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने की पूर्ण जोर कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि आवागमन के लिए रेल और हवाई यातायात को लॉकडाउन में बंद नहीं किया गया है। इसी क्रम में अब पटना से हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है। इसकी संख्या को देखते हुए विमानन कंपनियों ने विमान की संख्या बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कुल मिलाकर 29 जोड़ी यानी कि 58 विमान पटना एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाले हैं। लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी बंद होने के बाद रिक्शा लेकर निकली नंदनी। लॉकडाउन की वजह से कमजोर तबके के लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है और यही कारण है कि लोग कोई भी काम करने पर आतुर हो गए हैं। इसी क्रम में रोहतास की रहने वाली नंदनी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। नंदनी का कहना है कि उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन में रिक्शा लेकर निकलने पर कई बार पुलिसकर्मी बदतमीजी करते थे, जिसकी वजह से उसने मजबूरी में रिक्शा खींचना शुरू कर दिया ताकि घर से लोगों का पेट भर सके। सासाराम की 14 वर्षीय नंदनी इन दिनों रिक्शा चलाने का काम कर रही है, जिसके बाद नंदनी के पिताजी मजदूरी करने के लिए कहीं और चले गए थे और बेटी पैसे का जुगाड़ कर रही थी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने लिया बड़ा फैसला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार में COVID-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को और साथ ही पुलिस मुख्यालय में बढ़ रहे प्रभावितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तत्काल सभी पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि COVID-19 और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए तत्काल ट्रांसफर पर रोक लगाया जा रहा है। जो ट्रांसफर हो चुके हैं उन्हें अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सभी प्रभावित पुलिसकर्मियों की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का ध्यान रखने की बात कही गई है। भाजपा एमएलसी के जान गंवाने के बाद सकते में है पूरी भाजपा। COVID-19 के कारण भाजपा एमएलसी के जाने के बाद पूरा भाजपा दल सकते में है। पहली बार सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बाहर निकलकर COVID-19 मरीजों का हालचाल जानते देखे गए। भाजपा नेताओं को हरकत में आने का इस बात से भी संकेत देख सकते हैं कि अपनी ही पार्टी के विधान पार्षद के जाने के बाद पार्टी के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। संक्रमण से ठीक होकर वापस लौटे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सबसे पहला कदम उठाते हुए बेतिया स्थित GMC के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया है। PPE किट पहनकर संजय जायसवाल ने COVID-19 वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना है। पटना के पासपोर्ट कार्यालय पर लगा ताला। राज्य में लगातार बेकाबू हो रहे COVID-19 प्रभावितों की संख्या को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए कई कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय को संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बंद करने का फैसला सुनाया गया है। यहां मौजूदा गार्ड ने बताया है कि कार्यालय में कोई भी कर्मचारी संक्रमित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कार्यालय को बंद कर दिया गया है। बूढ़ी गंडक नदी में मछुआरे के हाथ लगी डॉल्फिन। मुजफ्फरपुर के बांद्रा में बूढ़ी गंडक नदी के मछुआरे को गायब हो चुकी डॉल्फिन हाथ लगी है। मछुआरे के जाल में डॉल्फिन फंसने की खबर मिलते ही लोग भी डॉल्फिन को देखने के लिए जमा होने लगे थे, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का यह दावा है कि लोगों ने वहां पाई गई मछली के साथ सेल्फी लेने के बाद उसे वापस से नदी में छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो मछुआरे नाव में मछली पकड़ने के लिए निकले थे, तभी जाल में वजनदार जीव के फंसने से नाव डगमगाने लगी। मछुआरे ने जो जाल खींचकर देखा तो उसमें डॉल्फिन निकली। 6 राज्यों में 7 सितंबर तक उपचुनाव को किया गया स्थगित। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण और कुछ राज्यों में बाढ़ के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने उपचुनाव स्थगित करने का फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार 57 सीटों पर करवाए जाने वाले उपचुनाव को कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें विधानसभा की 56 जबकि 1 लोकसभा की सीट शामिल थी, जिसमें बिहार के वाल्मीकि नगर की 1 लोकसभा सीट भी शामिल थी। चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन बाढ़ को नियंत्रित करने में लगा हुआ है, ऐसे में उपचुनाव को स्थगित करवाया जा रहा है। पटना से गया पहुंचना अब हो जाएगा और भी आसान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से पटना गया जो भी 4 लेन के 2 पैकेज के लिए अनुमति मिलने के बाद लगभग 88 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाने का फैसला लिया गया है। सड़क निर्माण करके कुल मिलाकर 1900
30 करोड़ का खर्च आने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार नवनिर्मित यह सड़क पटना के अनिसाबाद के पास सरिस्ताबाद गांव से शुरू होकर नाथोपुर, महुली, पुनपुन, मसौढ़ी, जहानाबाद, मखदुमपुर, बेलागंज, गया बाईपास, बोधगया होते हुए जीटी रोड तक जाएगी, जिसके बाद मात्र 100 मिनट में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से गया एयरपोर्ट की दूरी तय कर पाना संभव हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस रोड के माध्यम से पटना की ग्रैंड ट्रंक रोड को सीधे संपर्क किया जा सकता है। गोपालगंज में एक और अप्रोच रोड हुआ ध्वस्त। सत्तरघाट पुल के आगे के अप्रोच रोड के बाद यादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे गांव के पास अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण गाड़ियों के परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पानी के तेज बहाव की वजह से यह अप्रोच रोड बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से गोपालगंज बेतिया जोड़ने वाले महासेतु पर परिचालन रोक दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों और जिला प्रशासन की तरफ से अप्रोच रोड को भरने की कोशिश की जा रही है। वहीं अधिकारियों के माने तो वर्तमान समय में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया है, जिसकी वजह से जिले में कई बांध दबाव में है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा निर्दयी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया नामकरण किया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्दयी घोषित कर दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। अपने पहले ट्वीट में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री इस गंभीर समस्या में भी 4 महीने से अदृश्य है। इस निर्दयी सरकार ने छात्रों, मजदूरों, मरीजों, गरीबों और आम आदमी को मुसीबत में बीच में यूं छोड़ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को COVID-19, बाढ़, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और बाढ़ से बेहाल एवं जान गंवाने वालों की कोई चिंता नहीं है। मुकेश सहनी और अहमद पटेल ने की दिल्ली में मुलाकात। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने हाल ही में अहमद पटेल से मिलने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि जल्द ही बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सब मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात के दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा बिहार में भी बाढ़, COVID-19 के हालात को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अदृश्य बताने पर जदयू ने दिया जवाब। COVID-19 के इस माहौल में विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है और यही कारण है कि लगातार हर मुद्दे पर विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अदृश्य बताए जाने के बयान पर जदयू नेता अजय आलोक ने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी बाबू भले ही अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए साबुन भी रगड़ने पर दाग किसी कीमत पर नहीं छूटने वाले हैं। फिर चाहे तेजस्वी यादव खुद इलाके का दौरा कर ले या प्रभावितों को राहत देने की नौटंकी कर ले, जनता के मन में यह धारणा बन गई है कि तेजस्वी यादव एक भगोड़े हैं जो मुश्किल समय में भाग जाते हैं या फिर कहीं लापता हो जाते हैं। हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से उठाया महादलित मुख्यमंत्री का मुद्दा। बिहार में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए COVID-19 के इस माहौल में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने भी बीते दिन वर्चुअल रैली का आयोजन करवाया था, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि उन्हें बिहार में महादलित CM बनाने के लिए जो मेहनत की गई है वो और ज्यादा करनी होगी। दूसरे नेता सिर्फ महादलितों का वोट लेना भर जानते हैं। इस मौके पर जीतनराम मांझी ने सभी गरीब परिवार और बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने का आह्वान भी किया है। पाकिस्तान ने BCCI को बताया सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड। ICC ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित करने का फैसला लिया था, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को यह रास नहीं आया है कि T20 विश्व कप को कैंसिल कर दिया गया है और यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों द्वारा IPL के आयोजन का रास्ता साफ होने के बावजूद बयानबाजी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और राशिद अली ने इसको लेकर एक बयान दिया है। राशिद अली ने कहा है कि पहले से ही पता था कि T20 विश्व कप स्थगित होगा और यह इसीलिए हुआ ताकि IPL का रास्ता साफ हो सके। सुशांत को याद करते हुए अंकिता लोखंडे ने किया एक और पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार उनके प्रशंसक पोस्ट डालते नजर आए हैं। वहीं अब उनकी एक्स रह चुकी अंकिता लोखंडे ने भी एक नया पोस्ट डाला है। हालांकि कुछ दिनों पहले अंकिता ने दिया जलाकर पोस्ट को शेयर किया था, वहीं अब दूसरा पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ईसा मसीहा की मूर्ति के आगे एक दीपक जलाया है और लिखा है, उम्मीद, प्रार्थना और ताकत, जहां भी तुम हो मुस्कुराते रहो। हालांकि अंकिता लोखंडे ने इस पोस्ट के साथ सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यकीन है कि यह पोस्ट उन्हीं के लिए किया गया है। जियो की स्पीड में लगातार तीसरे महीने हुई बढ़ोतरी। देश भर में हुए लॉकडाउन से टेलीकॉम कंपनियों की नेट स्पीड पर खासा असर पड़ा था। मार्च और अप्रैल में नेट स्पीड में कमी दर्ज की गई थी, मगर मई में डाउनलोडिंग स्पीड में थोड़ा सुधार हुआ था। वहीं अब जून महीने में टेलीकॉम कंपनियों की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए जून के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस जियो एक बार फिर से 4G डाउनलोड स्पीड में अव्वल साबित हुआ है। जियो की जून महीने में औसत डाउनलोडिंग स्पीड 16.5 MBPS मापी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने
हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष कुमार, अमरजीत दास, मुकेश कुमार, दिव्यांशु कुमारी, गुंजा प्रिया, मंटू कुमार, नीतीश कुमार, चंदन कुमार, आशा कुमारी, प्रियांशु चौधरी, दीपक कुमार, सुरेंद्र राय, ममता सिन्हा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोविड 19 के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज शुरू करवाने के बाद एक फीस का निर्धारण करना कितना जरूरी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।